तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैंसी हेल्प के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जो पुराना यूट्यूब चैनल था हम लोगों का, जो मेन वाला, वो किसी रीज़न वश डिलीट हो गया था। तो दोस्तों, हमको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग हमको सपोर्ट ज़रूर करें। तो भाई, अगर आप भी ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो, आपको फर्स्ट रैंक लानी है और आप किसी भी हालत में ग्रैंड लीग को जीतना चाहते हो, तो इस वीडियो को आपको लास्ट एंड तक देखना है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं जो ट्रिक है मैंने खुद अप्लाई की है और मैंने यहां से ड्रीम इलेवन से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लिए। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, जिसके माध्यम से आप ड्रीम इलेवन में विनिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी आप जीएल में जो आपकी ग्रैंड लीग होने वाली है उसमें आप कैसे उसको आप विन कर सकते हैं, क्या ट्रिक है, क्या फार्मूला है, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वो सब बताने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोगों को दोस्तों मालूम होगा कि जो हमारा मेन चैनल था वो किसी कारण और डिलीट हो गया था, तो इसीलिए हम लोगों ने इस नए चैनल को स्टार्ट किया, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो हमको आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके ड्रीम इलेवन में विनिंग ट्रिक से रिलेटेड डेली कुछ ना कुछ वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ड्रीम इलेवन में आप ग्रैंड लीग कैसे जीत सकते हैं, उसका क्या फार्मूला है। तो उसके फार्मूला शुरू करने से पहले मैं आपको उसमें के कुछ फैक्ट बताना चाहता हूं, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला फैक्ट दोस्तों यह है कि जब भी कोई बंदा ड्रीम इलेवन ओपन करता है और उसको ग्रैंड लीग जीतनी होती है या कोई भी छोटे मोटे मैचेस जीतने होते हैं, वो क्या करता है, वो सीधा क्रिकेट में जाके पैसे को लगा देता है, क्रिकेट में जाके वो टीम क्रिएट कर देता है। जो कि दोस्तों आपको मालूम होगा अपने भारत में खासकर कितने ज़्यादा लोग युवा हैं जो ड्रीम इलेवन में टीम बनाते हैं, ड्रीम इलेवन से पैसा कमाने की सोचते हैं। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं ड्रीम इलेवन में आने के बाद, क्या आप फुटबॉल में पैसा लगाते हैं, क्रिकेट में लगाते हैं, कि आप हॉकी में लगाते हैं, कि आप बास्केटबॉल में लगाते हैं? जी हाँ, आपका जवाब और जितने लोगों का जवाब यही होगा कि मैं भैया क्रिकेट में ही पैसा लगाता हूँ। तो आप अगर क्रिकेट में आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर इसके जीतने के चांसेस सिर्फ 0.01% है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन, इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन है क्रिकेट की फील्ड में, कि यहाँ पे आप लोग ड्रीम इलेवन से क्रिकेट की फील्ड में आप लोग ग्रैंड लीग जीतना आपके लिए असंभव सा है। लेकिन अगर आपको वाकई में ग्रैंड लीग जीतनी है, तो आपके लिए एक बहुत ही धांसू ट्रिक लेके आए हूँ, जिससे कई लोगों ने इस ट्रिक को अपना करके, इम्प्लीमेंट करके वाकई में विन किया है। और यहाँ पर आप लोगों को मैं उन लोगों से भी बहुत जल्दी मिलवा दूँगा। तो ये ट्रिक क्या है, किन चीज़ों पे हमको ध्यान देना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्रिकेट में आप लोग ग्रैंड लीग विन करने के बजाय यहाँ पे अगर आप लोग बास्केटबॉल में जाके आप ग्रैंड लीग में पैसा लगाते हैं, ग्रैंड लीग में जाके टीम बनाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि यहाँ पर बास्केटबॉल में बहुत ही कम लोगों का रुझान होता है। दूसरी बात, बास्केटबॉल से रिलेटेड काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं होती। अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है, तो आप लोग रिसर्च कर सकते हैं बास्केटबॉल के बारे में, और अगर आप लोग बास्केटबॉल में टीम क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे 90% चांसेस है कि वहाँ पे आप ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग जीत जाएं। जी हाँ, और आप लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, इसी बारे में आपको मैं बताऊँगा कि आखिर आप ग्रैंड लीग कैसे जीत सकते हैं बिना क्रिकेट का यूज किए हुए। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा क्रिकेट में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें झंझट होता है, काफ़ी ज़्यादा बवाल होता है, पिच रिपोर्ट की टेंशन होती है, प्लेयर पता नहीं परफॉर्म कर पाए कि ना कर पाए, एक ही बॉल में आउट हो जाए, ये सब दिक्कत क्रिकेट में होती है। तो यहाँ पे ग्रैंड लीग विन करने के चांसेस मैं बता रहा हूँ 0.01% हैं। लेकिन यही चीज़ अगर मैं कंपेयर करूँ क्रिकेट से बास्केटबॉल में, तो यहाँ पे उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं कि आप लोग वहाँ पे विन कर सकते हैं, आप लोग ग्रैंड लीग जीत सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा झंझट नहीं होता है। अगर वहाँ पे आप एक अच्छी टीम क्रिएट कर लेते हैं, एक अच्छे टीम में आप लोग वहाँ पे बना लेते हैं, तो उसके बाद आपको क्या है कि अगर आपके पास एक अच्छी नॉलेज है बास्केटबॉल के बारे में, जो कि एक से दो हफ्ते में अगर आपको नॉलेज नहीं भी है, अगर आप उस पर रिसर्च करेंगे, तब भी आपको वहाँ पे उस बारे में नॉलेज मिलती रहेगी। तो आपको क्रिकेट के बजाय बास्केटबॉल में पैसा लगाना है, बास्केटबॉल में टीम बनानी है, जिससे यहाँ पे आपके जीएल की विन करने की जो यहाँ पे संभावनाएँ हैं वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इसी माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने क्या देखा है कि लोग ड्रीम इलेवन में आते ही दोस्तों क्या करते हैं, आते ही वो तुरंत ही क्रिकेट की टीम में पैसा लगा देते हैं, क्रिकेट टीम को वो लोग सेट कर देते हैं, जो कि क्रिकेट में आना अच्छी बात है, लेकिन जो वहाँ पे जीतने के चांसेस होते हैं, जो विनिंग वहाँ पे चांसेस होते हैं, वह काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग ड्रीम इलेवन में आने के बाद ही सीधा क्रिकेट को ही अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे चूज़ करते हैं, जिससे यहाँ पे जो जीतने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। तो हमको बास्केटबॉल में जीएल को विन कराना है, अगर आपको बास्केटबॉल में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बास्केटबॉल में आप लोग टीम बना सकते हैं, तो बास्केटबॉल को ही आप लोग पहले प्रेफरेंस दें, उसके बाद आप दूसरा प्रेफरेंस क्रिकेट कर दें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के जिस प्रकार से आप लोग क्रिकेट में
आप लोग टीम बनाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोग काफ़ी समय से परेशान हो लेकिन आप लोग विनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग मेरे कहने से एक या दो बार आप लोग बास्केटबॉल में ये सब करके देखिए, इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि 90% संभावना है कि आप इस मैच को जीत जाएंगे।